हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये बोलना जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, तहे दिल से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड है कि पैराशूट का आविष्कार कौन है। अगर आप एक पबजी के प्लेयर हो या फ्री फायर के प्लेयर हो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पैराशूट क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो खैर, इसके ऊपर बात ना करते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं कि इस पैराशूट के आविष्कार के पीछे किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है और किन किन वैज्ञानिकों ने इस पैराशूट को बनाने में अपनी जिंदगी झंड कर दी। सॉरी, रिस्पेक्ट। ओके, तो चलिए आपका ज्यादा एमबी बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराशूट के आविष्कारक थे आंद्रे गार्नेरिन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आंद्रे गार्नेरिन, जिन्होंने एक सफल पैराशूट को अस्तित्व में लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। परंतु इसके अलावा भी चार ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस आविष्कार के पीछे पागल थे। वे साइंटिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंची, फर्स्ट वासेस, जिया पियरे प्लाचार्ड और चौथे हैं रोबोट कार्टिन। इन चारों वैज्ञानिकों को वो सफलता नहीं मिली जो आंद्रे गार्नेरिन को मिली, परंतु इन्होंने भी इतने प्रयोग किए, इतने प्रदर्शन किए, इतनी कोशिश किए, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रहा था। इन्हें वो सही डिज़ाइन नहीं मिल पा रहा था कि वो एक सफल पैराशूट बना सके। इन चार वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी। वे वैज्ञानिक थे रोबोट काकिंग। जी हाँ दोस्तों, रोबोट काकिंग, जिन्होंने पैराशूट के प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी। वो दिन था 24 जुलाई 1837 को, लंदन के वॉक्सहॉल गार्डन से रोबोट काकिंग ने पैराशूट उड़ान का प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान ही वे इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। 5000 फुट की ऊंचाई से गिरते समय पैराशूट का लकड़ी का ढांचा हवा के दबाव को झेल नहीं पाती है और टूटकर बिखर जाती है और इस दौरान रोबोट काकिंग की मृत्यु हो गई थी। लोगों के भलाई के लिए उसने अपनी जान पर रिस्क लेकर यह प्रदर्शन किया था, पर अफसोस वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो दोस्तों, इन चार वैज्ञानिकों के बारे में केवल जानकारी के लिए थी। अगर जीके में कोई क्वेश्चन करता है कि पैराशूट के आविष्कार कौन थे तो उसका आंसर होगा आंद्रे गार्नेरिन।